हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो को आप लोगों ने ओपन किया है हमारा थंबनेल को देखकर और हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़े, पासवर्ड, पैटर्न, पिन। अगर आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस प्रकार पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक हो जाता है और आप अपने पैटर्न पिन पासवर्ड को भूल जाते हो तो आप अपने फ़ोन को लेकर डायरेक्ट सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास लेकर जाते हो और दोनों जगह फ्रेंड आपका फ़ोन अनलॉक कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की मदद से आपका फ़ोन अनलॉक किया जाता है, जहाँ पर आपका डाटा एक भी सेफ नहीं रहेगा। टोटल का टोटल डाटा डिलीट हो जाएगा, पैसा लगेगा, समय लगेगा, उसके बाद आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन घर बैठे अनलॉक हो जाए, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डिलीट किए और बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, तो आप इस वीडियो में बने रहना फ्रेंड, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मई मंथ 2024 ईयर का घर बैठे वो एक्टिव मेथड बताएंगे, जिस मेथड को अगर आप लोग भी अपने ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अप्लाई करोगे तो आपका भी ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक होगा और वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा। तो आई फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला वर्क आप लोग का ये होगा कि जब आप अपने ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के स्क्रीन के ऊपर स्वीपअप करोगे, आपको यहाँ पैटर्न पिन पासवर्ड नजर आएगा, जैसा कि इस फोन में पैटर्न लॉक है। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे अपना पैटर्न डालने के अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना सिर्फ पैटर्न ही डाल सकते हो, उसके अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो। तो आपको इस पैटर्न वाले पेज में कोई एक ऐसा ऑप्शन खोजना है जहाँ पर आपको वर्क करने का मौका मिले। आप देखोगे ऊपर कुछ नहीं, दाएं कुछ नहीं, बाएं कुछ नहीं, नीचे देखोगे तो आपको एक इमरजेंसी SOS का ऑप्शन दिखेगा। इमरजेंसी SOS, जिसे इमरजेंसी कॉल भी कहते हैं, दोनों एक ही होता है। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरे स्क्रीन पे आप देख लो, कोई ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इमरजेंसी SOS पे। इसके बाद फ्रेंड आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हुआ होगा, एक डायलेड, और जिनके फ़ोन में डायलेट ओपन नहीं हुआ है, ये ग्रीन कलर का ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करना। अब आपके फ़ोन में डायलेट ओपन हो चुका होगा। तो फ्रेंड, आपको यहाँ से क्या करना है, आपको एक हम एक्टिव कोड देंगे, गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड। ये कोड आपको सबसे पहले याद रखना है, *#899 और #। ये कोड के मदद से आप डायरेक्ट एक न्यू पेज पे पहुँचोगे, जहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे लिखा होगा आफ्टर सेल पेज। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको वही वर्क करना है जो वर्क हम आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पे चार नंबर ऑप्शन मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करना है, चार नंबर ऑप्शन मैनुअल टेस्ट, ऊपर से चार नंबर ऑप्शन आएगा मैनुअल टेस्ट का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसको फर्स्ट पेज को कैंसिल करके सेकेंड पेज पे आना है, डिवाइस डबिंग पे, और सबसे पहले आपको अपना सेंसर चेक करना है कि आपका सेंसर एक्टिव है या डीएक्टिव। आपको थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, आपको यहाँ चार्ज टेस्ट के नीचे दिखेगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसा कि इस फोन में दो सेंसर नजर आ रहा है जो कि अभी डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं है, तो हम इसको दोनों को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा एक सेंसर पास आना चाहिए यहाँ पे। ये दोनों को स्टार्ट करने के बाद अगर दोनों पास आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक सेंसर का पास आना जरूरी होगा, तब आपका फोन अनलॉक होगा। तो ये दोनों को आप स्टार्ट कर लो, जिनके फोन में दो से ज्यादा सेंसर है वो सबको स्टार्ट कर लेंगे और एक पास आएगा तो ही वर्क दूसरा करेंगे। येलो कलर का हो गया फ्रेंड, ये वर्क करेगा तो आप समझ जाना, येलो कलर का होगा तो आप समझ जाना कि ये वर्किंग पे लग चुका है। और आप देख सकते हो इस बार मेरा दोनों पास आ चुका है फ्रेंड, आपके फोन में एक भी पास आ गया तो आपका काम हो गया, लेकिन मेरा दोनों पास आ गया, तो अब आपका फोन जल्दी से अनलॉक होने वाला है। तो अब आप नीचे जाओगे, जी सेंसर के नीचे आपको जायरोस्कोप दिखेगा, जायरोस्कोप पे आप क्लिक करना। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको फर्स्ट नंबर का ग्राफ वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करना और इसको 10 सेकेंड वर्किंग करते हुए छोड़ देना, ओनली 10 सेकेंड, ताकि आपके फ़ोन में जो भी ईमेल जीमेल हो वो ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप हो जाए। और जब आपको लगे कि 10 सेकेंड हो चुका है तो आप इसको बैक कर सकते हो। मेरा 10 सेकेंड कंप्लीट, हम इसको बैक करेंगे। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना होगा और यहाँ पे पास लाना है, अगर फेल आएगा तो दोबारा से ट्राई करना है। क्लिक कीजिए जायरोस्कोप पे, यहाँ पे जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट करने का ऑप्शन आया, स्टार्ट कर लीजिए और पास या फेल आने का वेट कीजिएगा, लेकिन पास आना चाहिए, फेल नहीं। तो यहाँ पे भी पास आ चुका, अब इसको बैक कर लीजिए। तीन नंबर ऑप्शन डाटा डिस्प्ले, जहाँ पे हम आपको बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार वालों के पास जाओगे, पैसा और समय देने के बाद भी डाटा रिकवर नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको तीन नंबर ऑप्शन वाले ऑप्शन पे
डाटा डिस्प्ले पे हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना डाटा को रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से क्लिक करना, एक्स वाई जेड तीन एंगल नीचे की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, इसको 30 तक इंक्रीज होने देना, बोले तो 30 तक। अगर ये 30 तक इंक्रीज होता है तो आपका डाटा टोटल का टोटल रिकवर होता है, ये आपका डाटा ही रिकवर हो रहा है। 30 तक इंतजार कीजिए, 30 प्लस हो चुका है, इसको आप बैक कर लीजिए। चले जाइए सबसे लास्ट पेज पे फ्रेंड, अदर्स वाले पेज पे, लास्ट पेज अदर्स, सेकेंड ऑप्शन रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, क्लिक कीजिए। यहाँ पे अब वीडियो का एंड आ चुका है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैंसिल और ओके का ऑप्शन आया, कैंसिल कीजिए, सेकेंड टाइम क्लिक कीजिए, और ये कोड हमेशा आप लोग याद रखिए, ये कोड डायल करके स्टार हैच पे क्लिक कर दीजिएगा, डायल करके ओके कर लीजिएगा, स्टार हैच पे नहीं, मैंने गलती से बोल दिया। और जिनके फ़ोन में ये रॉन्ग पासवर्ड अभी शो किया है वो लोग समझ जाएंगे, पैटर्न पिन पासवर्ड रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, नीचे की स्टेटस रीड राइट पे इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट पे वर्क हो चुका है हमारा। लास्ट ऑप्शन तीन नंबर ऑप्शन की स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करके चेक करना है पास है या फेल। तो हम की स्टेटस पे क्लिक किए, ये देखिए अभी अभी आपके सामने ये अपडेट हुआ, नेम में जितना भी की है बोले तो लॉक का स्टेटस में सब पास पास है। अब आपको फ्रेंड यहाँ से करना क्या, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा लॉक वाला बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको प्रेस करके रखे रहना है। आपके सामने पावर ऑफ का ऑप्शन आया, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे अब वीडियो एंड हो चुका है। रीस्टार्ट और पावर ऑफ, आपको रीस्टार्ट करना है, पावर ऑफ कोई नहीं करेगा, सारे बंदे रीस्टार्ट करेंगे, पावर ऑफ कोई नहीं करेगा। रीस्टार्ट किया तो बस आपको यहाँ पे वीडियो में बने रहना है, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। तो बस आपको वीडियो में बने रहना है, वीडियो का एंड हो चुका, आप देख सकते हो ये ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ये ओपन होने वाला है। आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक होगा या नहीं होगा। तो बस आपको वीडियो में बने रहना है, आपको खुद ब खुद पता चलेगा क्या आपका ओप्पो फोन अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हो चुका है, और वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है। फ्रेंड आप देख सकते हो अपनी आंखों से, ये ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक, और वो भी विदाउट डाटा लॉस। पैसा बचा, समय बचा, डाटा बचा, और आप देख सकते हो जो भी वर्क आप लोग के सामने हुआ, सर्विस सेंटर वाले ये वर्क आपको कभी नहीं दिखाते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट किया, तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है लॉक हो चुका, अनलॉक नहीं हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मॉडल नंबर के साथ कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।